फलों का राजा आम, जो कहलाता तो आम है पर होता बहुत खास है, और आज इसी खास फल का फेस्टिवल लगा है, यानी कि द मैंगो फेस्टिवल, जिसे आप आम महोत्सव भी कह सकते हैं। तो इस आम महोत्सव में क्या कुछ स्पेशल है, आइए जानते हैं। महोत्सव है ये नाबार्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, और यहाँ पे जितने भी आम है वो ऑर्गेनिक है। तो आइए जानते हैं कि कैसे कैसे तरीके के आम यहाँ पर मौजूद है। अमरपाली है। अमरपाली, इस आम की क्या खासियत है? क्या चीज? इस आम की क्या खासियत है? इस मीठा है, बढ़िया मीठापन। और यहाँ पे जो आम मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक है, तो क्या ऑर्गेनिक आम यहाँ मिल रहा है? तो बिल्कुल फ्रेश आम जो आप मार्केट में जाते हैं उससे बिल्कुल अलग, एकदम ऑर्गेनिक आम मिल रहे हैं, सारे केमिकल से बिल्कुल हटे हुए आम आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आम खरीद भी रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आप भीड़ से पता लगा सकते हैं कि यहाँ के आमों को लोग कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आम ज़्यादातर तो पका हुआ ही खाते हैं, लेकिन उसका जो है वो अमोट भी बनाते हैं, और वो कच्चा रहता है तो उसका गुड़ के साथ मिला करके, जीरा उरा के साथ मिला करके भी खाते हैं। आम का अचार भी बनता है, कच्चा आम का अचार बनता है, मीठा अचार बनता है गुड़ के साथ में, सालों साल रहता है। आम का वो चटनी बनाते हैं, और गर्मी में जो है वो आम जो है वो उसका वो ये बनाते हैं गर्मी के लिए, क्या बोलते हैं, आम पन्ना भी बनाते हैं, रस भी बनाते हैं। आम बहुत इंजॉय करते हैं। आम आप क्या क्या और बनाते हैं? बहुत कुछ, आम से तो सारा चटनी भी बना लेते हैं, इसको थोड़ा सुखा के वो आम की गोली भी बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, यहाँ का आम बिल्कुल ऑर्गेनिक है, फ्रेश है, और लोग सबसे ज़्यादा अम्रपाली और मालदा आम खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़। मालदा है मैम। और इस आम की क्या खासियत है, क्योंकि देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग मालदा पसंद कर रहे हैं, तो क्या खासियत है? सिर्फ गुद्दा रहता है इसका, पतला गुठली रहता है, और खाने में सबसे डिफरेंट और स्वीटनेस ज़्यादा है इसका, ज़्यादा है। तो पहचान होती है जैसे कि ये मालदा आम है, इसकी पहचान किस तरीके से? ये इसका आकार जो होता है गोल होता है, और इसका कलर देखने में आपको ये दाना दाना दिखाई देता है इस तरह से, तो ये चीज़ इसका पहचान है, एकदम गोल सा दिखता है, सुंदर सा, हल्का खुशबू भी आती है। तो ये कौन से आम है? अम्रपाली है मैम। अम्रपाली है। अम्रपाली आम की क्या खासियत? अम्रपाली की खासियत है कि अगर बाजार में सारे आम जब समाप्त हो जाते हैं तो उस समय ये अम्रपाली आपको मार्केट में नजर आते हैं, लेट से निकालने वाले वेरायटी आम है। और खाने में इसका टेस्ट किस तरीके का होता है, क्या? ये बाकी आम से भी इसका स्वाद भी एकदम अलग है, लाजवाब मैंने स्वाद है इसका, और उसमें इसका रखने का जो पीरियड है वो लॉन्ग टर्म रहता है, और समय तक जो अम्रपाली आम है ये चलते हैं। और ये जो अम्रपाली आम की आप बात करें तो इसकी पहचान किस तरीके से होती है? थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है मालदा, जब भी मैंने देखा कि उससे थोड़ा सा ये पतला है, छोटा सा है, लंबा शेप का रहता है, और इसकी भी अलग खासियत है, बहुत लंबे समय तक चलता है ये आम। और अम्रपाली जो एक आम है वो बहुत लेट से आता है और लंबे समय तक चलता है। मालदा है। मालदा है। और कहाँ के आम है ये? लोहरदगा के मालदा आम है ये। कितने सालों से आप आम की खेती कर रहे हैं? 5 साल से। और कैसी बिक्री हो रही है इस बार? बहुत अच्छा बिक्री हो रही है। क्या प्राइस यहाँ पे है? 100 रुपये केजी दे रहे हैं मालदा, मलिका 100 रुपये केजी, अम्रपाली 90 रुपये केजी, दशहरी 100 रुपये केजी। हमने मलिका आम की भी बात की, तो वो कौन सा आम है? मलिका, मलिका ये है। अच्छा, इसमें क्या खास है मलिका आम में? क्योंकि अगर जो आप इसको 1 महीना तक भी रखेंगे तो खराब नहीं। 1 महीना? हाँ, इसका हाँ, इतना मोटा रहता है जिसके वजह से दबता नहीं, आराम से खाते रहिए, धीरे धीरे पकते जाएगा, खाते रहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मलिका आम है और बहुत ही मोटा है, और कहते हैं कि दबता नहीं है दबाने पर भी, और बहुत लंबे समय तक चलता है, तो ये मलिका आम भी बहुत खास लग रहा है। लोहरदगा की ये सारे आम हैं,
और यहाँ पर हमने मलिका आम देखा, मालदा आम देखा, और भी ज़िलों के आम हैं उसके बारे में भी देखेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर आम खरीदने भी आए। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से आम खरीद रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर जो झारखंड के जो अलग अलग आम हैं, जो वैरायटी है बहुत अलग है। यहाँ पर आप लोहरदगा के आम देख सकते हैं, हजारीबाग के आम देख सकते हैं, गुमला के भी आम देख सकते हैं। ये जो हिमसागर आम जो है, इसका टेस्ट बाकी जितने भी आम है उस सबसे अलग होता है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होता है। अगर जैसे बाकी आम में क्या है कि डायबिटीज पेशेंट अगर एक आम खा लिए तो उनको डायबिटीज बढ़ने का डर रहता है, इसमें डायबिटीज बढ़ता नहीं बहुत ज़्यादा, तो एक आम तक डायबिटीज पेशेंट भी खा सकते हैं। प्लस जूस बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है इसका, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है जूस के लिए। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो डायबिटीज पेशेंट्स है वो भी इस आम को खा सकते हैं, जो एकदम नेचुरल मिठास होती है, थोड़ी कम मिठास होती है। हिमसागर बताया ना आपने, हिमसागर ये जो आम है ये अलग तरीके का है, थोड़ा सा कम मीठा होता है, तो अमूमन जिसको ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है वो इस आम को खा सकते हैं। सालों से कर रहे हैं? देखिए मैडम, ये जो गाछ जो है वो हम लोग 2012-13 में लगवाए थे। 2012-13 के बाद हम लोग 4 साल के बाद इसका फ्रूटिंग शुरू हो गया, तो 4th साल में तो थोड़ा कम इनकम हुआ। 5वां और 6ठा साल से लगभग एक बगान से, जो एक बगान में 70 गाछ है, उस गाछ से लगभग 1 लाख का हम लोग आम बेच देते हैं, और एक किसान को 1 लाख रुपए उस जमीन से, जिस जमीन पे कभी खेती नहीं होती थी, उस जमीन से 1 लाख रुपए साल में इनकम आने लग गया है किसानों का। और जो आम महोत्सव है यहाँ पर, जो भी फार्मर्स है वो डायरेक्टली आम बेच रहे हैं, तो इससे कितना कितना फायदा? इससे यही फायदा हो रहा है मैडम कि वो जैसे यहाँ पे आए, हम 100 रुपए मालदा बेचे, अगर हम अपने गाँव में बेचते तो वहाँ से 40 रुपए में बेचना पड़ता, और वो इधर ला के 100 रुपये में बेचते, 60 रुपया इनकम उनका होता है। अभी क्या हो गया कि डायरेक्ट हम यहाँ लेके और 100 रुपये में बेचे, तो 100 रुपये डायरेक्ट मेरे खाता में आया, तो उसमें 10 रुपये भाड़ा भी काट दे तो भी 90 रुपये बिका, और वहाँ हम 40 में बेचते, तो ये जो डिफरेंस है वो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे बेच के, ये इससे फायदा है। तो जो नाबार्ड का जो इनिशिएटिव है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जो आम है जो लोग बेच रहे हैं उनको डायरेक्टली फायदा हो रहा है, और बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे आम ख़त्म भी हो चुके हैं, इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। वहीं पर हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ आम बिक रहे हैं बल्कि आम के छोटे छोटे जो पौधे हैं वो भी बेचे जा रहे हैं। तो आप आम के पौधे बेच? आम के पौधे ये अभी आम्रपाली है मैम, हम लोग 5 वैरायटी का हम लोग पौधा लाए थे यहाँ पे, अल्फांसो, हिमसागर, दशहरी और लंगड़ा और आम्रपाली, 5 वैरायटी का लाए थे, उसमें से अभी 2 बचा हुआ है। अगले दिन भी लाए तो बिक गया था हम लोग का, अभी लाए हैं तो अभी 2 बचा हुआ है। बिक्री बहुत अच्छी हो रही है? बहुत अच्छी है। पौधे के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि अगर इसको ले जाते हैं तो किस तरीके से इसे लगाना है, कैसे इसका देखभाल करना है कि अच्छे से? एक्चुअली क्या है ना मैम, सबसे पहले तो आपको 2x2 का गड्ढा खोदना है, उसमें से सड़ा हुआ गोबर डालना है 10 kg, और उसके बाद चूना 100 ग्राम डालना है, और उसके बाद गड्ढा को बढ़िया से आपको ढक देना है, और उसके बाद पानी सिंचाई कर देना है, उसके बाद 2 दिन के बाद आपको लगाना है प्लास्टिक, जो पॉलीट्यूब है पॉलीट्यूब फाड़ने के बाद ही लगाना है, और उसके बाद आपको टाइम टू टाइम पानी देना है, और उसके बाद 10-15 दिन के बाद बारिश से पहले लग जाता है जुलाई में, उसके बाद अगले सीजन में आपको गर्मी में आपको सिंचाई करना है। घर पे जैसे ना लोग ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती है, उतना गार्डन भी नहीं होता, तो कौन सा आम है जिसको आराम से थोड़ा सा कम केयर के बाद भी वो अच्छे से आप लगा देंगे एक बार तो आपको उसका फल मिलेगा, कौन सा आम प्रेफर? एक्चुअली क्या है कि आम्रपाली ऐसा वैरायटी है कि आप आम्रपाली हर साल फलेगा भी, और वो छोटा ही से फलना भी चालू होगा, है ना, तो उसके लिए आम्रपाली सबसे बेस्ट आम है। और दूसरा आम 1 साल गैप कर सकता है फलने में, मगर ये आम है कि आपको हर साल फलेंगे, एकदम इसमें नो डाउट है। अच्छा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आप पौधे बेच रहे हैं सबसे ज़्यादा कौन सा बिका?
मेरा सब लोग सभी वैरायटी का पांच पांच पीस लाए थे यहाँ पे, तो अल्फांसो का तो लूट हो गया 500 रुपये उसका रेट रखे थे, और आम्रपाली दशहरी और लंगड़ा और हिमसागर का आपका 150 रुपये रखे हैं, वो अभी दो को बचा हुआ है, बाद बाकी सब बिक गया है। तो मैम क्या बेच रहे हैं आप? जी मैं मिलेट्स कुछ प्रोडक्ट लाई हूँ, और ये मड़वा का पापड़ है, हॉर्लिक्स है, और लड्डू भी है, बिस्किट भी है। और मड़वा का है ये सारा जो भी है स्नैक्स, तो कितना फ़ायदेमंद है इसे खाना? इसमें फ़ायदेमंद तो बहुत है, और ये इसमें ज़्यादातर आयरन होते हैं जो लड़की के लिए महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा है, और बच्चों के लिए भी ज़्यादा ही अच्छा है। तो जैसे आटा का भी लोग बोलते हैं कि आटा हेल्दी होता है, तो आटा के मुकाबले ये जो रागी का है, ये मिलेट का है, तो ये कितना डिफरेंस आता है? बहुत ज़्यादा वैसा इसलिए कि इसमें आयरन ज़्यादा है और विटामिन्स भी ज़्यादा है, और खून बनाने में मदद करता है, और साइड इफ़ेक्ट भी है, ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते हैं क्योंकि इसमें गर्मी भी है, थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं आप, डेली यूज कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते हैं। आपने बताया कि बहुत ज़्यादा इसमें आयरन है, बहुत हेल्दी है, तो थोड़ा सा मुझे दिखाएंगे कि क्या कुछ है, कैसा टेस्ट है, किस तरीके से है ये? ये मैंने रागी के लड्डू खाए जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सिर्फ हेल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना ज़्यादा स्वीट है, और एकदम नेचुरल फ्लेवर्स है, मिलेट के, रागी के बिस्किट है, ये रागी के बिस्किट्स है, और बहुत हेल्दी है, आयरन की मात्रा ज़्यादा है, जो आप नॉर्मल मार्केट से बिस्किट लेते हैं, मैदे के बिस्किट्स होते हैं, और उसे खाने से आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आप रागी के बिस्किट्स खाएं, और रागी के बिस्किट्स अगर आप खाते हैं तो आपके हेल्थ को फ़ायदा भी पहुंचता है और काफ़ी टेस्टी भी होता है। तो हम भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आम है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल फ्रेश है, हम टेस्ट करके भी देखेंगे कि क्या खासियत है इस आम में, कितना अलग है ये आम। बहुत ही ज़्यादा मीठा है, और आप जो मार्केट से खरीदते हैं केमिकल्स रहते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपने कौन सा आम था पहले? आम्रपाली है मैम, हम आम्रपाली है, और हम लोग खूंटी जिला के कर्रा ब्लॉक से, हमारे नबार्ड परियोजना के तहत आम बागवानी लगभग 450 किसानों के बीच में करवाया गया है। सबसे कर रहे हैं आप आम की खेती? हम लोग अभी कर्रा ब्लॉक में 2020 के जिस समय कोरोना काल चल रहा था, उस समय हमने नवाड के साथ ये परियोजना 450 किसानों के साथ चलाई गई है। और खेती के बारे में अमूमन लोग मानते हैं कि खेती में उतना कुछ फ़ायदा नहीं है, लोग बढ़ना नहीं चाहते खेती में, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या फ़ायदा हो रहा है? इसमें मैं विशेष यही बताना चाह रहा हूँ कि आज का परिवेश देखते हुए लोग खेती से मुँह मोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नवार जो है खेती के लिए आज वो हम साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे बायफ एवं नवार के सौजन्य से जो खेती कराई जा रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसके बीच में हमारे जो बीच का जो स्पेस है उसके इंटरक्रॉपिंग के तौर पर साग सब्जी, उड़द, मटर, आलू, ये सब खेती करके एक एकड़ से लगभग साल का 5 लाख रुपये कमाया जा सकता है, और इस चीज़ को किसान नहीं समझ रहे हैं, तो इसको हमारे नवार जो है बहुत किसानों के लिए मैंने वरदान भगवान साबित होता है, कि जो कि किसान को ये चीज़ समझना चाहिए कि खेती जो है घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि उनके जीवन में प्रॉफिट का सौदा है। कितना फ़ायदा हो रहा है इससे, और लोगों में कितना आपको इंटरेस्ट दिखा, जैसे जो आम लोग खरीद रहे हैं, जो मार्केट से खरीदते हैं, और यहाँ पर जो खरीद रहे हैं, तो कितना उन लोग में उत्साह दिखा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पूछा ही, हम बताने ही वाले थे आपको कि क्या है कि जो मार्केट में जो आम है तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना कि उसमें जो क्वालिटी नहीं रहती जो लोगों को चाहिए, क्योंकि आज का जो टाइम है हर कोई सोचता है कि एक अच्छा आम मिले, ऑर्गेनिक हो। तो हमारा जो यहाँ आम है ये नाबार्ड का प्रोजेक्ट चलता है TDF वाड़ी परियोजना, तो हमारा जितना आम है सब हमारे वाड़ी से ही आए हुए हैं, जो हमारे जो लाभुक हैं, हमारे जो किसान हैं, तो उनके वाड़ी से डायरेक्ट आम यहाँ मार्केट में लाए गए हैं। इसमें किसी का कुछ नहीं, जो इनकम हो रहा है डायरेक्टली किसानों को ही हो जा रहा है।
मैम आप भी नबार्ड से जुड़ी? इसमें मैं भी नबार्ड से ही हूँ। तो ये स्पेशली ये ट्राइबल लोगों के इनकम जनरेट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। इनका ये है कि एक एकड़ में हम लोग 40 आम 72 अमरूद ऐसे करके एक एकड़ में एक किसान को दिया जाता है। वो तीसरे साल से फल देना शुरू कर देते हैं, उसके पाँचवें साल तक हम लोग देख रेख का उनका सारा मेंटेनेंस खर्च दिया जाता है। सबसे पहले मैम आपका आम महोत्सव में स्वागत है 2024 में। इसमें हम लोग उन किसानों को और उन क्षेत्रों को लेते हैं जो मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र है और जहाँ पे कोई जिस भूमि में कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि आम का, अमरूद का और हम लोग काजू का भी पेड़ लगाते हैं। हमारे जैसा कि आपका गोड्डा पाकुड़ वाले इलाके में हम लोग काजू का भी लगाए हुए हैं और जो लाभ हम लोग को जो किसानों को देना रहता है वो ये है कि आप खुद करें, बंजर भूमि में लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं आप। इसके साथ साथ में हम लोग दूसरे भी प्रोडक्ट जैसे मिलेट्स हो गया या फिर आपका बाई प्रोडक्ट जैसा हो गया, अचार बनाना हो गया, जैसा महुआ का अचार हो गया, तो ये सब को भी हम लोग किसानों को सिखा रहे हैं। इसका आम महोत्सव लगाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप आम बेचें बल्कि आप डायरेक्ट किस तरह से कस्टमर को डील करेंगे इस चीज़ के लेकर के भी हम लोग उनको सिखा रहे हैं। हमारा इसमें FPO भी है जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को भी कैसे खरीद बिक्री और मार्केटिंग करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, फिजिकल फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आपको सीखना है, ये एक हम लोग प्रैक्टिकल मोड में इन लोगों को ला रहे हैं। अभी पिछले 3 सालों से हम लोग नाबार्ड में इस चीज़ को कर रहे हैं। इस यहाँ पे आपका ये कार्यालय में, कोऑपरेटिव कार्यालय में, ये हमारा दूसरा साल है और ताकि लोग आएं और वो लोग रसायन मुक्त, कार्बाइड मुक्त आम को खाएं, उसका आनंद ले। ये आम नहीं, ये खास है जी। नहीं, ये खास है, बड़ी अच्छी बात कही। और नबार्ड के द्वारा जो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, फार्मर्स को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जितना हो सके केमिकल से दूर भागे और ऑर्गेनिक आम खाए, ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। फेस्टिवल में आकर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक और फ्रेश आम नहीं बिक रहे बल्कि जितने भी जो फार्मर्स हैं वो खुद से आम बेच रहे हैं, सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सब भी यहाँ पर आए, यहाँ पर आप ऑर्गेनिक आम खा सकते हैं और जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें। फिलहाल इस मैंगो फेस्टिवल में बस इतना ही।